नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री और बेस्ट पीडीएफ रीडर दिखाने वाला हूँ। मतलब ये जो पीडीएफ रीडर है बिल्कुल भी फ्री है। एक बार आप इन्हें इंस्टॉल किया तो आपको ये फिर से कभी भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं पूछेगा और लाइट वेट है, जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर कभी भी हैंग नहीं होगा और बिल्कुल फ्री है। तो इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये फॉक्सिट रीडर जो है ना, इसकी डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। 17.8 MB का ये सॉफ्टवेयर है, वो आपको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में कोई भी पीडीएफ रीडर नहीं है। कुछ इस प्रकार से ये ब्राउजर में खुल रहा है, ठीक है। तो हम इस फॉक्सिट रीडर को कैसे यूज कर सके, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पीडीएफ रीडर को आपको इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद कस्टम ले लेना है और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। इस प्रकार से दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो है आपका 5 या 10 सेकंड में ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा। आपको ये कभी भी अपडेट्स नहीं मांगेगा, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी नहीं पूछेगा। अब मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ रीडर जो है इस प्रकार से एक विंडो दिखाता है, आप नॉट नाउ कीजिए, ठीक है। नॉट नाउ करने से क्या होता है कि आपको ये फिर से कभी भी रजिस्ट्रेशन की विंडो यहाँ पे नहीं पूछने वाला है। तो यहां से इसको क्या करेंगे, हम फिर से क्लोज कर देंगे, ओके। अब दोस्तों हमारी जो पीडीएफ की फाइल है उस पर आपको एक बार राइट क्लिक कर लेना है, ठीक है। शो मोर ऑप्शन या फिर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद इसको जहां से आपको ओपन करना है ना, एक बार आप क्या कीजिए, फॉक्सिट रीडर को एक बार यहां से सेट डिफॉल्ट कर लीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो आप इस फाइल को अब ओपन करोगे ना दोस्तों, तो ये आपकी पीडीएफ रीडर में, मतलब फॉक्सिट रीडर में ही ओपन होने वाली है। इसको आप थोड़ा सा एडिट कर सकते हो, जैसे कि आप एडिट में जाओगे या फिर यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएंगे, जिससे आप यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट भी कर सकते हो। व्यू में जाकर भी आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है, कमेंट में जाकर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और किस लाइन को मैं कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हो तो इस प्रकार से, और इस फाइल को आप कंट्रोल यस करके इसको आप एडिट करके सेव कर सकते हो। फिर से आप इसको खोलोगे ना दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो आपने एडिट किया था यही खुलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो की मदद से आप अपने कंप्यूटर में एक फ्री वाला फॉक्सिट रीडर इंस्टॉल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, लाइट वेट है, कभी आपका सॉफ्टवेयर, कभी आपका कंप्यूटर हैंग नहीं करने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार के और टेक्निकल के ट्रिक्स देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।